साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं और फ्री स्टाइलों के साथ जी। तो आप ये मानो कि पूरी टीम बड़ी जबरदस्त सर। काशी आकर के आपने IIT BHU में इस समय बच्चों को काफ़ी इस प्रतियोगिताओं में पार्ट लेते देखा है। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग में काफ़ी टफ लाइफ होती है बहुत, और उससे खेल कूद की तरफ आना कैसा लग रहा है इस समय? मैं IIT के छात्रों को सबको बहुत बधाई दूंगा जो यहाँ खेलने आए हैं, और जो नहीं भी खेलने आए हैं उनको यही चीज़ कहूँगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है उससे आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हो सकते हो। आज आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पे बच्चा जो है मायूस होकर डिप्रेशन में चला जाता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है उसमें हर रोज़ हारना होता है, हर रोज़ जीतना होता है, तो इतना पावरफुल हो जाता है जीवन में, वो कभी कहीं भी मार नहीं खाए। स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है, तो मैं IIT के जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा काम। आप स्टडी में तो आप ज़बरदस्त हो ही हो, वो तो नो डाउट आप सबको, पूरे देशवासियों को पता है, और हर माँ बाप को बड़ा गर्व है आप लोगों पे। तो बस स्पोर्ट्स आप कर रहे हो तो बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग। सर इंडिया में जनरली जो है वो क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बाकी स्पोर्ट्स से, तो क्या अभी रीसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी लोगों का ज़्यादा? ऐसा नहीं है, क्रिकेट भी हमारे देश के लिए खेला जाता है और हमारे ही खिलाड़ी हैं, और हम भी उतना ही प्यार करते हैं। जब उनके मैच होते हैं तो हम भी सपोर्ट करते हैं, और जब हमारे मैच होते हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। और आज देश ने बहुत सम्मान प्यार ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी दिया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कि आप लोगों ने ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी बहुत प्यार दिया। सर बनारस आकर के आपको कैसा लग रहा है और आगे कुछ? मैं आता रहा हूँ बनारस में, और बड़ा आशीर्वाद और प्यार यहाँ के लोगों से मिलता है, और मंदिर में भी मैं गया हूँ। सुबह का भी भाई साहब प्लान बना रहे हैं, तो देखते हैं कि आशीर्वाद मिलता है। थैंक यू सर।